नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का दौर तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ सीजन भी चेंज हो रहा है। इस दौरान सर्दी, जुखाम, बुखार ये आम लक्षण होते हैं, लेकिन लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये कोरोना के लक्षण है या सीजनली बुखार के। तो इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल। सबसे पहले तो हम डॉक्टर कुणाल का हमारे सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मेरा सवाल शुरुआती यही रहेगा कि कैसे हम डिफ्रेंस करेंगे कि ये आपका वायरल फीवर है या फिर ये कोरोना के लक्षण है? देखिए, वायरल फीवर और कोरोना भी एक वायरल फीवर ही है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसमें जो लक्षण है पूरी तरह से वायरल फीवर के ही लक्षण रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनिशियली हम लोग ऐसा डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल वायरल फीवर में आप जनरली देखेंगे कि सिम्टम्स तो आता ही है, पर कोरोना में कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को सिम्टम से डिफरेंशिएट करना है। अल्टीमेटली हम लोग आरटीपीसीआर के ही ऊपर में डिपेंडेंट है आज भी, कि पेशेंट अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है देन वी गो फॉर अ कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज पेशेंट्स को हमेशा, अनलेस इट्स प्रूवन, आपको पेशेंट्स को हमेशा एज अ कॉमन फ्लू ही ट्रीट करना है। और कोरोना में भी अगर सिम्टम्स सिर्फ कॉमन फ्लू के आ रहे हैं तो उसके लिए भी सिर्फ कॉमन फ्लू का ही ट्रीटमेंट करना है। कोरोना का ऐसा एसच जैसे रेमडेसिविर एंटीवायरल का रोल है, जहां तक मेरा सवाल है, तो जहां तक लंग इन्फेक्शन और बाकी कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं है पेशेंट्स में, जैसे ऑक्सीजन का कम होना, सैचुरेशन लेवल कम होना या बाकी कॉम्प्लिकेशन, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, साथ में डिरेंजमेंट्स हो रहे हैं लंग्स में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मोर देन 20% 40% के आसपास, देन वी कैन थिंक अबाउट कि हाँ कि इसमें एंटीवायरल का कहीं का कुछ रोल है। अदरवाइज इट शुड बी ट्रीटेड लाइक ओनली कॉमन फ्लू। तो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन पॉइंट नहीं है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जिससे कॉमन फ्लू भी ना हो। अपना इम्यूनिटी को आप हमेशा स्ट्रांग बना के रखें। और अभी मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं हमेशा कभी बारिश हो जा रही है, कभी ऐसे धूप आ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इन्फेक्शन फैलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वायरल फ्लू, वायरल फीवर इट्स वेरी कॉमन। तो अगर आपको लगता है कि वायरल फ्लू काफ़ी दिनों तक परसिस्ट कर रहा है, आपको वीक कर रहा है, या बदन दर्द, बॉडी एक, ज़्यादातर लोग कंप्लेन यही करके लेके आते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ऐसा कॉमन फ्लू में यूजुअली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कॉमन फ्लू में यूजुअली पेशेंट्स आते हैं विथ रनिंग नोज, स्नीजिंग एंड फीवर, कफ। हालांकि कोरोना में भी ये सब सारी सिम्टम्स हो सकती है, बट इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स, यहाँ पे पेशेंट्स हमारे यहाँ जो कोरोना के आ रहे हैं, जिनको लक्षण है, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी एक के साथ आ रहे हैं। तो अगर ये सब सिम्टम्स अगर कुछ दिनों तक, मोर देन 4 डेज, अगर इस तरह से प्रसिस्ट कर रहा है, सांस की तकलीफ बढ़ रही है, यू मस्ट गो एंड चेक आरटीपीसीआर, आपको और अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे अभी जिन लोगों को कोरोना हुआ है और वो अब उससे उभर चुके हैं, तो उसके बाद जो है उनके पास कौन सी बीमारी देखी जाती है, या इस टाइम पे कैसे, मतलब कौन सी बीमारी के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, यूजुअली पेशेंट्स पोस्ट कोविड, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स, जो भी लेके आ रहे हैं, यूजुअली ब्लड में जो डिरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस कोरोना इन्फेक्शन हुआ था, माइल्ड था, मॉडरेट था या सीवियर था। ये तीन कैटेगरीज में अगर हम लोग डिवाइड करें इन्फेक्शन को, तो अगर पेशेंट्स यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर जिनका होता है, उनको पोस्ट कोविड लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और साथ में अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हो, जैसे जिनको डायबिटीज़, शुगर, किडनी की बीमारी और लिवर का डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन, क्रोनिक लिवर CLD, तो इस तरह के अगर बीमारी उनको पहले से है, तो इस तरह के मरीजों में पोस्ट कोविड लक्षण और ओल्ड एज पेशेंट्स,
उनमें कोविड के लक्षण, पोस्ट कोविड के लक्षण दोबारा देखने को मिला है, जिनमें ब्लड का यूजुअली डी डाइमर बढ़ जाता है, कभी सीआरपी बढ़ जाता है, कभी सैचुरेशन फॉल हो जाता है, कभी लोग लो सैचुरेशन या हफनी का प्रॉब्लम लेके आते हैं, कभी फीवर लेके आते हैं। तो हालांकि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा अभी पेशेंट्स आ रहे हैं पोस्ट कोविड इन्फेक्शन को लेके, क्योंकि कई अस्पतालों में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिया गया है मरीजों को, हालांकि ये है एंटीवायरल, यहाँ पे एंटीवायरल का रोल मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, आप उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बेसलाइन ही एंटीबायोटिक दे सकते हैं सो दैट कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। बट अगर आप उसको थर्ड जनरेशन या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो कि हम यूजुअली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए देते हैं या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो कि बाकी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं उसके लिए देते हैं, वो अगर एंटीबायोटिक्स हम लोग शुरू से ही देना चालू कर दें या फिर बहुत एग्रेसिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर दें, तो बाद में जो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होकर आता है मरीजों में, जो कि हम लोग पोस्ट कोविड इन्फेक्शन बोलते हैं, पोस्ट कोविड सेप्सिस, तो उस केस में वो एंटीबायोटिक तो हम ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो हमारे पास और कोई एंटीबायोटिक होता नहीं है जिससे हम मरीज को ठीक कर रहे हैं। तो हमेशा हायर एंटीबायोटिक्स को आप बचा के रखना चाहते हैं। अगर आपके घर में एक छोटा सा कॉकरोच आ जाए तो आप उसको मारने के लिए बम नहीं गिरा देंगे, उसको छोटा ही कोई ऐसा मेडिसिन से मारेंगे जिससे सिर्फ वो कॉकरोच मरे, बाकी डैमेज ना हो। दूसरा ये है कि आजकल फंगल इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा, म्यूकरमाइकोसिस जिसको हम लोग मेडिकल ये में बोलते हैं, या फिर ब्लैक फंगस के नाम से आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है मार्केट में, लोग इनको इसी नाम से जान रहे हैं। तो एनीवे, वो इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन है जो कि जब ब्लड स्ट्रीम में अगर फंगल इन्फेक्शन पहुंच जाए तो वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और वो इस उस एरिया को पूरी तरह से निक्रोस कर देता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है, ख़त्म, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहें कि हम लोग उसको सड़ा देता है और वो उस एरिया को पूरी तरह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने के वो एरिया डेड हो जाता है, तो अल्टीमेटली उस एरिया को निकालना पड़ जाता है। लेकिन ये जिन एरिया में इफ़ेक्ट करता है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग अगर वहाँ से हम लोग उसको एक्सीजन भी कर देते हैं तो भी मोर्टैलिटी काफ़ी हाई रहती है, यानी कि मृत्यु दर काफ़ी हाई रहती है। तो एज सच इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो इस बीमारी से अभी तक झारखंड में मुझे लगता है कि 18-19 केसेस देखने को मिले हैं ब्लैक फंगस से, जिसमें से मोर देन 60% की मोर्टालिटी हो चुकी है, डेथ हो चुका है। तो ये बीमारी है काफ़ी ख़तरनाक, लेकिन इससे तभी डरें जब आपको कोई बीमारी हो साथ में, जैसे डायबिटीज़, शुगर वाले पेशेंट्स को ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी हायर एंटीबायोटिक्स पे थे या सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था जिसके लिए आप इम्यूनो सप्रेसेंट्स, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो आप ले रहे थे, हाई डोज स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या आपका पर्सनल हाइजीन भी बहुत अच्छा नहीं है, तो इन सब केसेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर आपको दिखाई पड़ता है तो आप अपने तुरंत फिजिशियन से अपने मिलिए और उसके बाद जो भी फंगल इन्फेक्शन का जांच होता है हम लोग कराते हैं, वो हम लोग करके उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये इसके लिए एंटीफंगल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो जैसे आपने जो है येलो फंगस या ब्लैक फंगस के बारे में बताया, तो लोग इससे कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? ब्लैक फंगस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए देखिए, अभी क्या है कि अभी बरसात का सीज़न है, ऐसे सीज़न में फंगस का ग्रोथ बहुत ऑप्टिमल होता है, इस ये जो सिचुएशन है इसमें फंगल ग्रोथ बहुत आसानी से होता है क्योंकि ह्यूमिड इन्वायरमेंट में फंगल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में हमें अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास के एरिया को ड्राई रखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे घर में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई एरिया डैम्प तो नहीं है, अगर डैम्प हो तो वो एंटी डैम्प वो प्लास्टर होता है उससे उसको सील करा लेना चाहिए ताकि घर में डैम्प एरिया ज़्यादा ना हो। अपने फ्रिज, अपने किचन के एरिया को साफ रखिए ताकि वहाँ पे क्लीन रखिए, ड्राई रखिए ताकि वहाँ पे फंगल ग्रो ना हो। और अपना इम्यूनिटी का ध्यान, खासकर अपना खुद के ऊपर ध्यान रखने, अपने आसपास के ध्यान रखने के साथ साथ अगर अपने ऊपर भी अब अगर ध्यान रखते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको खुद को अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी के लिए आप
जरूरी नहीं कि आप हमेशा महंगी पिल्स ही लें, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, सब बहुत सारे हैं सारे मार्केट्स में, आप ले सकते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट आप इनको घर पे भी अभी फ़िलहाल रिप्लेस कर सकते हैं। आप कोविड के टाइम में ऑलरेडी लोगों ने बहुत मल्टी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन डी खाया है, तो अभी रेस्ट का समय है। अपने शरीर को वेरी एसेंशियल दवाइयाँ ही दीजिए जो कि सही में आपको ज़रूरत है, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स हों, डायबिटिक पेशेंट्स हों, इनको दवाइयों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। यूरिक एसिड बढ़ गया किसी का, उनको हमेशा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रहती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम है जिसका हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो इन लोगों को वो जो दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है वो आप लीजिए, बट अननेसेसरी मेडिसिन की मुझे नहीं लगती कि कोई ज़रूरत है। हाई आप वाइटामिन्स का जो भी सेवन कर रहे हैं आप उसका रिप्लेसमेंट घर पे भी कर सकते हैं। घर के खाना खान पान पर अगर अच्छे से ध्यान दें, हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, और अनाज में यूजुअली अनपॉलिश्ड अनाज ही यूज़ कीजिए, तो उसमें विटामिन्स का मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है, आपको हर विटामिन उसमें सब ये हो जाएगा। ग्रीन पत्तेदार सब्जियों में आपको विटामिन सी काफ़ी मात्रा में रहता है। वैसे ही अगर आप नट्स खाते हैं तो उसमें विटामिन डी, कैल्शियम और साथ में विटामिन ई भी काफ़ी रहता है, आप जो आपके जॉइंट्स को भी ठीक रखता है, आपके स्किन को भी ठीक रखता है। कोरोना से जो है वो डायबिटीज़, हाई यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर्स के जो मरीज़ हैं उनको ज़्यादा खतरा रहा है, अभी तक उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा रही है, तो थर्ड वेव जो आने वाला है इसमें उनको मतलब इससे कितना खतरा होगा, और जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको मतलब किस तरह से ये असर डालेगा? देखिए, कोरोना के साथ जो बीपी, हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़ और अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसमें हॉस्पिटल एडमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि मोर्टालिटी रेट बढ़ा है, तभी बढ़ा है जब मरीज़ों में एक से ज़्यादा मोर्टालिटी साथ में हो। जैसे डायबिटीज़ अकेला कोई खास हार्म नहीं करता, हाइपरटेंशन अकेला कोई खास हार्म नहीं करता, लेकिन अगर ये दोनों साथ में कंबाइंड हो और साथ में अगर किडनी की भी डिजीज़ हो, तो ये सब सारी चीज़ें ले दे के मोर्टालिटी को बढ़ाती हैं। लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन में अगर देखा जाए तो अगर इनमें से कोई एक भी मोर्टालिटी रहे तो वहाँ पे एडमिशन रेट काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उस कोविड के टाइम में आपका ब्लड प्रेशर, अगर हाई बीपी की शिकायत है तो डिस्पाइट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता है। उसी तरह से डायबिटीज़ में भी अगर हम देखें तो मरीज़ों को ऐसा देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है वो अगर पहले से दवाइयाँ या इंसुलिन ले रहे हैं, अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो उसके बाद उनका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है, कम या ज़्यादा होने लग जाता है, और उस केस में हम लोग यूजुअली मरीज़ों को स्टेरॉयड देते हैं जिसमें ब्लड शुगर लेवल काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, इनफैक्ट बढ़ता है। तो वैसे केसेस में हम लोग को ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बिल्कुल ही ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको कोई साथ में कोमॉर्बिडिटी है, हाई ब्लड शुगर है, अगर डायबिटीज़ की शिकायत है, सीओपीडी का प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल एस्मा का प्रॉब्लम है, तो इन सब केसेस में आपको स्पेशल ध्यान रखना है, अपने ब्लड शुगर लेवल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, और जो दवाइयाँ हैं उनको रेगुलरली खाना है, और प्रिकॉशंस को देखते हुए स्मोकिंग, हाई तले हुए चीज़ों का एंड मार्केट में अवेलेबल जो हाई कैलोरी फूड्स होते हैं, फास्ट फूड्स, उसको अवॉइड करना है, एंड नॉर्मल लाइफस्टाइल को रखना है, डेली एक्सरसाइज करना है मोर देन 40 मिनट्स, तो 4 times a week एटलीस्ट। अगर आप इतना करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ये सब दवाइयाँ खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है अगर आपको कोई डायबिटीज़, शुगर वगैरह भी है तो। एक इन जनरल कि लोगों को अपने घर में खुद के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट रखने चाहिए, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स भी एक तरह से कहते हैं, तो देखिए यूजुअली हम लोग कोविड में भी क्या करते हैं कि सिम्टम्स को ही ट्रीट करते हैं, और यूजुअली सिम्टम्स आता है, फीवर हो गया एंड बॉडी एक हो गया, खांसी हो गया, जुकाम वाली सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स जिसको बोलते हैं वो हो गया, साथ में लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, तो लॉस ऑफ टेस्ट का जो समय है उस समय के साथ ही जाएगा। आप बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सेसिव गार्गल कर लेंगे, एक्सेसिव स्टीम ले लेंगे या फिर कुछ स्प्रे मार देंगे तो मेरा टेस्ट वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट उसका कॉमन देखा गया है कई लोगों में 3 दिन के बाद वापस आ जाता है, कई लोगों में
हफ्ते हफ्ते तक मैंने देखा है लोगों का टेस्ट नहीं आता, तो घबराने की कोई बात नहीं, टेस्ट जब आ जाएगा तो आ जाएगा, टेस्ट परमानेंटली नहीं जाता है कभी भी। आप देखिएगा कॉमन कोल्ड के भी टाइम में भी जब नाक बंद रहता है, स्टफी नोज होता है, तो आपका टेस्ट सेंसेशन गायब हो जाता है। कोई भी चीज़ खा तो सिर्फ नमकीन लगता है या सिर्फ मीठा लगता है या तीखा लगता है, ये नहीं पता चलता कि आप खा क्या रहे हो। तो एग्जैक्टली कोविड में भी सेम ही चीज़ होता है, आप नमकीन खाओगे आपको नमकीन लगेगा, मीठा खाइएगा मीठा लगेगा, लेकिन आप एग्जैक्टली फ्लेवर नहीं पता चलता है, तो स्मेल गायब हो गया, फ्लेवर नहीं पता चलता, तो लोग टेस्ट चला गया ये बोलते हैं। एक्चुअली टेस्ट नहीं जाता, फ्लेवर चला जाता है, लोगों का फ्लेवर का टेस्ट का वो नहीं जाता। तो बेसिक टेस्ट आप फिर भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का नॉर्मल ही फ्लू लाइक सिम्टम्स है, तो अगर आप फ्लू लाइक, तो उसके लिए आप एक पैरासीटामोल रख सकते हैं घर पे, जिससे आप फीवर को सबसाइड कर सकते हैं। टेम्परेचर मापने के लिए एक थर्मोमीटर आपको रखना चाहिए घर पे, कि हाँ टेम्परेचर सच में, कई लोगों को लगता है कि मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ गया बोल देने, सोच लेने से नहीं होता, कई बार लगता है अंदर से फीवरिश लगता है, लेकिन टेम्परेचर आप देखोगे तो 96-97 ही रहता है। तो उससे कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा आराम से रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेक्ट्रोल पाउडर एक ले लीजिए, कई बार इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन होता है बॉडी का, वो आपको फील होने लग जाता है कि वो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको फीवर होगा कि लगेगा अचानक से ठंडा लगने लगेगा, अचानक से गर्मी फीवर जैसा फील होने लगता है, तो लेकिन फीवर होता नहीं है। तो वैसे केस में दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी आप पी लीजिए, या फिर उसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोल पाउडर मिला के आप ले लीजिए। ये हो गया। दूसरी बात, एक थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर हम लोग, तीसरा एक हम लोग डिवाइस रखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं जिसको, जिससे हम लोग ऑक्सीजन का सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं। लास्ट ईयर पल्स ऑक्सीमीटर को लेके काफ़ी हंगामा हुआ उस चीज़ को लेके, कई मार्केट में चाइनीज़ पल्स ऑक्सीमीटर आपको मार्केट में उपलब्ध थे, जो कि आपको लगाते के साथ 60-70% सैचुरेशन, जिनका नॉर्मल भी रहता था, लोग काफ़ी पैनिक हो जा रहे थे। कि तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक अच्छे रिकमेंडेड कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर घर पे रखिए, और आराम से उसको मॉनिटर होने दीजिए। कई बार लगाया तुरंत में आपको सैचुरेशन लेवल एकदम नहीं है, लोग पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है आपको, उसको लगा के रखना है, किसी एक फिंगर में लगा के रखिए, और उस फिंगर में लगा के थोड़ी देर चेक कीजिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, देन सैचुरेशन को देखिए, इट शुड बी मोर देन 94% इज़ अ नॉर्मल लिमिट। अगर 94% से है ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि 100% ही हो आपका सैचुरेशन, कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ट रेट को देखते हुए सैचुरेशन ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीढ़ी चढ़ के आएगा तो डेफिनेटली आपका सैचुरेशन थोड़ा सा कम रहेगा, आप कहीं से भाग के आएंगे तो डेफिनेटली आपका सैचुरेशन थोड़ा कम, आप सो रहे होते हैं और स्नोरिंग वाले जो पेशेंट होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, गला डबल चिन है, उनको स्लीप एपनिया की बीमारी होती है, ठीक है, तो उनका सैचुरेशन रात में सोते समय आप बिलीव नहीं करेंगे, इट ड्रॉप्स अप टिल 80%, 75%। वैसे में लोग मर नहीं जाते, उनको जगा दो, उनको पोजीशन कर दो, फिर से वापस ठीक हो जाते हैं। आप हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, लोग वैष्णो देवी चले गए या फिर लद्दाख चले गए, वहाँ पे आप सैचुरेशन मॉनिटर नहीं करते हैं कि आपका सैचुरेशन गिर के 70%, 75% का, वहाँ पे लोग आराम से जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, इंजॉय करके वापस आ जाते हैं। लेकिन कोरोना में 94-92% भी सैचुरेशन ड्रॉप हो जाता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पैनिक नहीं होना है, बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनको एक बीपी का इंस्ट्रूमेंट रख लेना चाहिए, अगर शुगर वाले मरीज़ हैं तो उनको एक ग्लूकोमीटर एक मार्केट में मिलता है, कोई सा भी अवेलेबल है, आप खरीद के रख सकते हैं, और अपना शुगर को मॉनिटर और बीपी को मॉनिटर करते रहिए, और जो दवाइयाँ चल रही हैं बीपी की शुगर की उसको रेगुलरली खाते रहिए, और अगर शुगर लेवल बीपी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो घबराने की बात नहीं, अपने फिजिशियन से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसको कंटिन्यू करना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना है। क्या आप लोगों को क्या प्रिकॉशन मेजर्स जो है वो फॉलो करने की सलाह देते हैं, जो मरीज़ आते हैं या जो लोग घरों में हमें जो अभी देख रहे हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन रखना है। अभी लोग एकदम से फ्री हो गए, कोविड चला गया तो चलो मनाली घूम लेते हैं, चलो यहाँ घूम लेते हैं वहाँ, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया को मैं कहूँगा कि अवॉइड करना है। आप घूमने जाना है जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा जगह आप सेलेक्ट करें जहाँ पे कम से कम भीड़ हो, और मैं तो कहूँगा कि आप अगर घर पे रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, जान बची तो घूमने वापस कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं,
सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि लोग ये सोचते हैं कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, तो आप वैक्सीनेटेड हो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। तो वैक्सीनेटेड होने का ये मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हो, ऐसा भी नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि आपको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन होने के बाद भी लोगों को सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन रेट कम है, बहुत ही रेट कम है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे, आप इन्फेक्शन फैला तो जरूर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम ये सोच के भी आपको घर पर रहना चाहिए, और ये सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क लगाना ज़रूरी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन मास्क का जहाँ तक यूज़, मैं आपको बताता हूँ कि मास्क का यूज़ आप उतना ही करें जितना कि बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ लोग हैं, वहाँ पे आपके अलावा कुछ लोग हैं, तो वहाँ पे आपको मास्क ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे अगर इन्फेक्टेड जोन में जा रहे हैं तो वहाँ पे N95 मास्क यूज़ करना चाहिए या ट्रिपल लेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। और नॉर्मली आप एक साफ़ सुथरा कोई भी कपड़े वाला मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कम भीड़ भाड़ वाला एरिया है। हाँ, जहाँ तक देखा गया कि कई लोगों ने मास्क लगा के बहुत देर तक रखने से भी प्रॉब्लम चालू हो, जैसे मुझे ही आप देख लीजिए, मैं मास्क लगा के बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। तो मैं अगर आप देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारे लोगों ने मास्क लगा रखा है, तो मैं हो सकता है थोड़ी देर के लिए मास्क ऐसे हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मास्क का यूज़ करना है एंड अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट यूज़ करना है जहाँ पे आपको ज़रूरत करना है मास्क का। मास्क साफ़ सुथरा मास्क हम लोग यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, हर एक दिन पे मास्क को हम लोग चेंज कर लें, रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ कपड़े वाला मास्क हो, हम लोग डेली रीयूजेबल मास्क हो, उसको हम लोग डेली उसको साफ़ करके और उसका क्लीननेस का ध्यान रखना है। हम डॉक्टर कुणाल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें समय दिया और इस कोरोना के समय में उन्होंने बहुत छोटी छोटी और अहम जानकारियां दी जो हम जो है अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, और वाकई में उन्होंने जो जानकारियां दी वो हमारे लिए कारगर साबित होगी। हम एक बार फिर से जो है डॉक्टर कुणाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।